अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम शलवार की कटिंग करेंगे, सादा शलवार की कटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा कलर आ गया था तो इसको हम ऊपर की तरफ कर लेंगे, यानी ये हमारा इलास्टिक वाली साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपड़ा मेरे पास टू फोल्ड में पड़ा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये तिरछा है। इसको हमने लाइन की मदद से स्ट्रेट कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ से अपनी लेंथ को मेजर करेंगे और चौड़ाई भी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें 15.5 चौड़ाई चाहिए। तो हम इंच स्टेप को इस तरीके से रख के देख लेंगे कि ये 15.5 होनी चाहिए। ये हमारे पास लंबाई में टू फोल्ड कपड़ा है, जिस तरह से जब हम खरीदते हैं तो ये हमारे पास होता है। ये तकरीबन 19 है, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी और जो साइड से कपड़ा निकलेगा उससे हम मज़ीद कुछ बना सकेंगे। आप चाहें तो इसको अलहदा से भी कर सकते हैं, यहाँ से एक पट्टी अलहदा से भी निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन लगा के इसको सीधा कर लेना है। ये हमने लाइन लगा ली है, अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसकी लेंथ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने 2 इंच पे मार्क कर लिया है अपने इलास्टिक के लिए, आप देख सकते हैं एक निशान हमने ये लगाया है, और फिर हमने इंच स्टेप को यहाँ रखा है और नीचे हमने 35.5 पे निशान लगा देना है, क्योंकि हमें 35.35 चाहिए। और उसके बाद हम उसमें मज़ीद 1 या 2 इंच ऐड करेंगे 5-6 का मोड़ने के लिए, यानी 35.5 है तो उसमें हम 36.5 या 37.5 ले लेंगे लंबाई। लंबाई लेने के बाद हमने मार्क कर लेना है। अब एक निशान मैंने 35.5 पे लगाया है और एक मैंने 37.5 पे लगाया है। अब हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यानी ये जो हमारा 37 वाला निशान था, इस पे हमने इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड किया है। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करते हैं, फिर मैं आपको सेट करके बताती हूँ। कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये जो हमारी साइड है इस तरफ, ये हमारी फोल्डेड साइड्स हैं दोनों, और इस तरफ हमारी ओपन साइड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने जो ओपन साइड्स हैं वहाँ से निशान लगाना शुरू करने हैं। सबसे पहले हम ऊपर लगाएंगे 2 इंच का निशान, ये हमारा इलास्टिक का निशान है, 2 इंच पे हमने लगाया है। अब हम यहाँ से चौड़ाई नाप करेंगे। हमने 15.5 पे निशान लगाया है एक, और आधा निशान हमने सिलाई का मार्जिन यहाँ पे रखा है। पहले हमने यहाँ से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है, फिर हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 15.5 और उसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन यानी 16 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस निशान से हम नीचे आएंगे, इलास्टिक को हमने काउंट नहीं करना, इससे नीचे से हम 14 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा तैयार होगा आसन, और इसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे सिलाई का हक, ये 14 और ये 14.5।
ये हमने दो निशान लगाए हैं, अब हम इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। ये हमने निशान मिला दिया है, अब हम पांचे का निशान लगाएंगे। पांचा हमें 7 इंच चाहिए। एक निशान 7 इंच पे लगाएंगे और एक 8 इंच पे लगाएंगे। ये हमारा सिलाई का निशान है, ये कटिंग का निशान। इसको स्ट्रेट कर लेंगे सीधा करके। अब ये जो निशान है दोनों, इनको यहाँ पे मिला देंगे, यानी ये जो हमने सेकंड निशान लगाया है ये वाला, इसको उस निशान के साथ मिलाते हैं। ये इस तरीके से हमने निशान मिला दिया है। अब जो हमारी ऊपर की 1 इंच की कटिंग रह गई है हम वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे, इस निशान को इस निशान के साथ तिरछा मिला देंगे। ये हमारी शलवार के निशान लग चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से हमारे जो निशान हैं वो लग चुके हैं। आप यहाँ पे चाहे तो एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिलाई के लिए। अब हम ये सेकंड वाले निशान से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है शलवार की, आप देख सकते हैं। ये घर में पहनने वाली शलवार थी और वहाँ पे कलर लग गया था, तो उसको मैंने ऊपर की साइड पे कर दिया है ताकि वो नज़र ना आए। और यहाँ से भी हमारा ये बंद है, तो इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से हमारी जो शलवार है उसकी कटिंग होती है। ये बहुत ही आसान है, यह आप बहुत ईजीली सिलाई भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सिलाई करेंगे। उम्मीद है आपको शलवार की कटिंग का तरीका आ गया होगा, और आपका टास्क ये है कि आपने इसी तरीके से पुराने कपड़े पे या फिर पेपर पे शलवार कट करके उसकी तस्वीर बना के प्रैक्टिस ग्रुप में भेज देनी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।